ऑस्ट्रेलिया ने किया मैच फिक्स, आईसीसी ने लिया कड़ा एक्शन, टी20 वर्ल्ड कप से बाहर ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, जो आप सुन रहे हैं वो चीज सच हो सकती है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से आईसीसी उन पर बड़ा एक्शन ले चुका है, और आईसीसी के इस कड़े एक्शन की वजह से टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वो टीम जो इस टी20 वर्ल्ड कप में बड़ी मजबूत नजर आ रही है। वो ऑस्ट्रेलिया जिनके पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं, चाहे वो बल्लेबाज हो या फिर गेंदबाज या फिर धांसू ऑलराउंडर। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखकर हर कोई यही सोच रहा था कि ये टीम इस बार टी20 वर्ल्ड कप जीत सकती है। लेकिन बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया ने कुछ इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसकी वजह से आईसीसी इन पर कड़ा एक्शन ले सकता है, और साथ ही उनके इस फैसले की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़ा झटका भी लगेगा, और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो जाए। तो पूरा मामला क्या है, चलिए आगे आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया टी20 वर्ल्ड कप में बुरा पंगा। जी हाँ दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पॉइंट्स टेबल का गणित गड़बड़ाया हुआ नजर आ रहा है। कुछ टीमों का पत्ता साफ हो चुका है तो कुछ की लुटिया डूबने ही वाली है। सुपर 8 में पहुंचने की रेस की आग इतनी फैल चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को बिना उसे हराए बाहर करने के जुगाड़ में फंसा रही है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड को तो एक बार हरा ही चुकी है, लेकिन अब उनका आगे मुकाबला नजर नहीं आ रहा। इंग्लैंड को अगर अब यहां से सुपर 8 में पहुंचना है तो उन्हें बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने होंगे, और साथ ही उनकी नजर स्कॉटलैंड के मुकाबले पर होगी। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी के बयान की वजह से उनके कप्तान मिचेल मार्श मुश्किल में फंस सकते हैं, और साथ ही इससे ऑस्ट्रेलिया की टीम पर भी बुरा असर पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी बड़ा झटका लग जाएगा। दरअसल टीम के स्टार गेंदबाज जॉस हेजलवुड ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और उनके कप्तान मिचेल मार्श दोनों के लिए बड़ी समस्या आ सकती है। जॉस हेजलवुड के बयान से मच गई सनसनी। जी हाँ दोस्तों, जॉस हेजलवुड के बयान से सनसनी मच गई है। दरअसल जॉस हेजलवुड ने नामीबिया के खिलाफ मैच के बाद कहा था कि इंग्लैंड को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए उनकी टीम जीत की मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकती है। यदि ऐसा होता है और कंगारू टीम इस मामले में दोषी पाई जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, और हो सकता है कि उनके ऊपर होने वाले एक्शन की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम आगे बड़ी परेशानी में भी फंस जाए। तो पूरा मामला क्या है, चलिए आगे हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से एक मुकाबला खेल लिया, और वहां पर इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत मिल भी गई। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जॉस हेजलवुड के इस बयान के बाद उनके कप्तान मिचेल मार्श बड़ी मुश्किलों में फंस सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श होंगे बैन। अब सवाल यह है कि क्या आईसीसी इस पर बड़ा एक्शन लेगा। दरअसल आईसीसी की टीम अगर बड़ा एक्शन लेती है तो वो कप्तान मिचेल मार्श को बैन भी कर सकती है। बता दें कि इंग्लैंड की शुरुआत इस टी20 वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं रही। एक मुकाबला उन्होंने बारिश की वजह से गंवा दिया जहां वो जीत सकते थे, क्योंकि वहां पर उनके सामने 2 पॉइंट्स हासिल करने का अच्छा मौका था, लेकिन वो एक ही पॉइंट हासिल कर पाए। जबकि दूसरा मैच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से हार गया। ऐसे में अब इंग्लैंड की टीम को बचे हुए 2 मैच ओमान और नामीबिया के खिलाफ खेलने हैं, और अगर सुपर 8 पर पहुंचना है तो इंग्लैंड को दोनों मुकाबलों में बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी, और वहीं दूसरी तरफ चाहना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम स्कॉटलैंड को बड़े अंतर से हरा दे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर स्कॉटलैंड को बड़े अंतर से नहीं हरा पाएगी तो भी यहां पर इंग्लैंड बाहर हो सकता है। ऐसे में जॉस हेजलवुड ने जो यह बयान दिया है, अगर इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया करती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया मुकाबला क्लोज मार्जिन से हारती है, कम मार्जिन से हारती है, तो हो सकता है कि आईसीसी इस पर कड़ा एक्शन भी ले ले, और आईसीसी अगर कड़ा एक्शन लेगा तो उनके कप्तान मिचेल मार्श को बैन तक कर सकता है। वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच कर देखिए, अगर किसी टीम का कप्तान बैन हो जाए, आईसीसी उस पर कड़ा एक्शन ले ले, तो इससे टीम पर क्या असर पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी भी वो सुपर 8 में बिल्कुल संतुष्ट नहीं बैठ सकती। अभी उन्होंने ग्रुप मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया है, सुपर 8 में पहुंचना बाकी है। सुपर 8 वो पहुंच गए हैं, लेकिन वहां पर कड़े मुकाबले होंगे, और ऐसे में कप्तान मिचेल मार्श जब टीम के साथ नहीं होंगे, हो गया कि उनके ऊपर बैन ही लग गया, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम फंस जाएगी और इस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।